सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और चप्पल उतार के इस घंटी को भी बजा दीजिए मगर प्यार से। स्टीफन हॉकिंस जो कि एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को आप कैसे भूल सकते हैं, उनका नाम तो आप पक्का जानते होंगे। तो दोस्तों ये जो महान वैज्ञानिक हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड के, इन दोनों का बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये जो दोनों महान वैज्ञानिक हैं उन दोनों का ही मृत्यु 76 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो दोस्तों मेरा नाम है स्वनी कुमार और आप देख रहे हो द एस हिंदी चैनल। तो दोस्तों इस चैनल में हम जो वीडियो दिखा रहे हैं वो वीडियो बायोग्राफी सीरीज के अंदर आता है और ये बायोग्राफी सीरीज का 3रा एपिसोड है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि महान वैज्ञानिक है, फिजिशियन है, तो दोस्तों इनका जन्म सन 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के उल्म नामक नगर में हुआ था। स्टीफन हॉकिंस का जन्म इंग्लैंड में हुआ था जो कि ऑक्सफोर्ड जगह में हुआ था। उनका जन्म 8 जनवरी को 1942 को हुआ था जो कि इंग्लैंड में था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन स्टीफन हॉकिंस दोनों में अगर तुलना की जाए दोनों ही संभावितता बराबर ही ठहरेंगे। दोनों की मस्तिष्क की गति, दोनों की हर चीज़ की गति एक समान थी, भले ही दिनचर्या थोड़ी अलग थी लेकिन दोनों की जो सोचने की क्षमता थी एक समान मानी जा सकती है। दोस्तों जितना महत्व आइंस्टीन का था उतना ही महत्व स्टीफन हॉकिंस का भी है। दोस्तों आइंस्टीन तो हमारे बीच बहुत पहले से ही चल चुके थे लेकिन स्टीफन हॉकिंस भी आज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों जहाँ तक कि सेम थिंग्स हैं दोनों के बीच में, दोस्तों स्टीफन हॉकिंस को बचपन से ही गणित और फिजिक्स में दिलचस्पी थी। उन्हें लोग बचपन में आइंस्टीन कहकर पुकारते थे, इनसे उनके ब्रेन का गणना की जा सकता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आइंस्टीन थे उनका बचपन इससे विपरीत था, वो स्कूल जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, उनको स्कूल जेल की तरह लगता था। उनका कहना था कि जो स्कूल में है वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। इसका कारण था कि जो टीचर स्कूल में उन्हें पढ़ाया करते थे उन्हें वो कम लगता था, उसे ज़्यादा कर पढ़ाया जा सकता है उनकी सोच थी, इसलिए वे कुछ उठपटांग जैसे क्वेश्चंस टीचरों से पूछा करते थे, इसलिए टीचर्स उनसे चिढ़े हुए हुआ करते थे। और एक बार मतलब कुछ टीचर्स और कुछ लोग उनको मंदबुद्धि कर भी पुकारने लगे क्योंकि उनका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था। जब उनको उसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक टीचर से पूछा कि मैं अपने मानसिक विकास कैसे कर सकता हूँ अपने मस्तिष्क का। तो टीचर ने जवाब दिया कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। उसके बाद से आइंस्टीन ने अभ्यास करना शुरू किया और फिजिक्स गणित में बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हो पाए। स्टीफन हॉकिंस जो कि एक बहुत ही सफल वैज्ञानिक है, वे बचपन से दिमागदार थे। एक बार वे सीढ़ी से चढ़ रहे थे और वो बेहोश हो गए। शुरू में सबको लगा कि ये मामूली कमजोरी के कारण हुआ है लेकिन बाद में पता चला कि एक न्यूरॉन मोटर डिसाइज नामक बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि स्टीफन हॉकिंस दो साल तक ही जीवित रह पाएंगे। तब से स्टीफन हॉकिंस का समय शुरू हुआ साइंटिस्ट के रूप में और उन्होंने करियर शुरू किया। दोस्तों स्टीफन हॉकिंस अपने करियर में आगे बढ़ते जा रहे थे और उनका सभी अंग काम करना बंद होता जा रहा था बीमारी के कारण, और उसके बाद उन्होंने चेयर में का सहारा लिया जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड था। दोस्तों आइंस्टाइन का बहुत सारे सिद्धांत जैसे कि सापेक्षता का सिद्धांत,
द्रव्यमान, ऊर्जा, गति, प्रकाश के उष्मीय गुण। ब्लैक होल कॉन्सेप्ट, हॉकिंस रेडिएशन, ऐसे चीजों ने पूरे ब्रह्मांड पे एक नया जादू कर रखा है। अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस, दोस्तों दोनों का ही मृत्यु 76 वर्ष की उम्र में हुआ। जिस दिन अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था उसी दिन स्टीफन हॉकिंस इस दुनिया से अलविदा किए। 18 अप्रैल में आइंस्टीन का निधन हुआ था सन 1955 में। तो दोस्तों ये जो हमारे दो सुप्रसिद्ध महावैज्ञानिक थे उनके बारे में हमने थोड़े बहुत कुछ लफ्ज कहे हैं। अगर हम ज़्यादा डिटेल्स में बताते तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसीलिए हमने संक्षिप्त में बताया है बहुत सारी बातें इन सभी इनकी संघर्ष की कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं इनको और अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे सोशल मीडिया से जुड़े ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।